अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, हर बार जो मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी से मिलवाती हूँ और हम उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप भी करते हैं और साथ में हमारे चाय भी होती है, तो क्योंकि टी टाइम है तो टी टाइम में सारी चीज़ें आपको पता है कि हमें चाहिए होती हैं, एक अच्छा सा गेस्ट, अच्छी सी चाय, उसके बाद ही हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, आपने अक्सर उनको देखा होगा डिफरेंट चैनल्स पे अपनी पार्टी को डिफाइन करते हुए, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से अक्सर लड़ाई झगड़े करते हुए, नहीं जी हमारी पार्टी बड़ी अच्छी है, आपकी पार्टी ने ये किया, आपकी पार्टी ने वो किया, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी को मैंने अपने पास बुलाया है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ठीक है, और मेरी भी काफ़ी टाइम के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो सोचा आप लोगों से भी उनकी मुलाकात करवाऊँ और ज़रा जाने कि पॉलिटिकल लाइफ से हट के रियलिटी बेस्ड क्या है। तो इससे ज़्यादा मैं लंबी तमीज बांधना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मज़ेदार किस्म की हमारी बातें स्टार्ट हमने करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इस्टार अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इस्टार साहब, आप ठीक हैं? आई एम गुड जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका सियासी सफ़र? सियासी सफ़र तो इस वक्त काफ़ी दुश्वार गुजार हो गया है। अच्छा। रिसेंट पास में आप देख रही हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर डे बाई डे जो डेवलपमेंट है, और कहते हैं ना कि सच के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सच बोलने वाला और एक सच सुनने वाला। तो अभी हम सच बोल तो रहे हैं लेकिन सुनने वालों की थोड़ी कमी है, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि शायद लोगों को अवेयरनेस आ जाए, उसमें लगे हुए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बल्कि मैं क्या मेरे व्यूअर्स भी आपसे यही जानना चाहेंगे कि सियासत में आना शौक था, किसी से इंस्पायर्ड थे, या खिदमत खल्क का जज्बा बहुत ज्यादा था? एक्चुअली मेरा सियासत में आना ऑलमोस्ट एक हादसाती आप कह सकते हैं, हादसाती इस तरह कि मैं जब कॉलेज में इंटर हुआ तो उस वक्त 90s में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत उरूजों पे थी और कॉलेज के अंदर बड़ी बदनज़मी और ये सारा कुछ, तो उस ज़माने में मैं चूँकि इन सारी चीज़ों से दूर था और मेरी फैमिली में भी पिछली 7 पुश्तों में तो मुझे याद नहीं कोई सियासत में है। अच्छा, कोई सियासत में नहीं, आपसे कोई बैकग्राउंड नहीं और कोई बिल्कुल सियासत से दूर और सब अपने अपने, लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे फीसिस नहीं भर सकते और वो नहीं कर सकते, तो मैंने फिर और फिर देखा उस वक्त स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंप लगते थे हर तलबा तंजीम के, और वो लगा के और स्टूडेंट्स को अपनी तरफ लाते थे और फिर उनको बाउंड करते थे कि आप हमारे, तो मैंने उस वक्त फिर सोचा कि अगर इन स्टूडेंट्स की जो है फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो स्पोर्ट्स कोटे पे आते थे और उनको बेचारों को ये नहीं पता था कि हम स्पोर्ट्स कोटे पे उनका एडमिशन हो रहा है। अच्छा। और उनके एडमिशन को दूसरे लोग यूटिलाइज करते थे। ओके। तो बहुत सी मिसमैनेजमेंट्स देख के तो आप समझे मेरे अंदर का एक इंसाफियन जागा, क्योंकि उस वक्त तो पीटीआई का वजूद नहीं था, इट वॉज लेट 1991-92 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया और फिर मैंने उस ज़माने में भी अपने बहुत से स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कराए विदाउट बाउंडिंग कि जी आप सिर्फ मेरी तंजीम के साथ चलेंगे या मेरे मैनिफेस्टो के साथ चलेंगे। मेरा उनको सिर्फ एक ही पॉइंट होता था कि प्रायोरिटी आप दें अपनी एजुकेशन को, जिस मकसद के लिए आप इंस्टीट्यूशन के अंदर आए हैं वो आपकी प्रायोरिटी हो। नंबर टू, मैं उस वक्त से भी और हमेशा से मेरा एक मोटिव है कि स्पोर्ट्स मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक अच्छा शहरी और एक अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए आपको स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो आपको हर चीज़ सिखाती है, वो आपको बर्दाश्त सिखाती है, दूसरों की कामयाबी को हजम करना सिखाती है। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन यही हम जान लैक करते हैं। कोमल देखें, हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं इसमें पाकिस्तानी कौम जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। मैं भी आधी दुनिया घूम चुका हूँ लेकिन जितनी वाइब्रेंट पाकिस्तानी कौम है ना कोई और कौम नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम लैक करते हैं पेशेंस, अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस हमारे में ये नहीं है। हम हर बंदा ये चाहता है कि मैं आगे चला जाऊं, हम क्यू में वेट नहीं कर सकते, हम ट्रैफिक सिग्नल पे वेट नहीं कर सकते, हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे सकते, तो ये सारी चीजें तो ये सब लैक करती हैं। तो अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो तो वो आपको जो है वो जीने का लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन था और पाकिस्तान की 70 साल पॉलिटिक्स में जब वो इन हुआ तो उसने सियासत की नहज को तब्दील कर दिया। अच्छा, आप भी इमरान खान से इंस्पायर्ड हुए? देखिए, मैं इमरान खान को एज ए क्रिकेट कैप्टन और क्रिकेट हीरो, क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी तक क्रिकेट खेला हूँ और
क्रिकेट का शौक था, और डेफिनेटली जिस एरा में हम जवान हो रहे थे उस एरा में इमरान खान सबसे बड़े हीरो थे क्रिकेट के, तो वो इंस्पिरेशन एक अलग थी। लेकिन जब 96 में पार्टी बनती है तो उस वक्त भी कराची के हालात और मुल्क के हालात हम देख रहे थे, क्योंकि मैंने 88 से जो पॉलिटिक्स को क्लोजली देखना शुरू किया, 88 का इलेक्शन, 90 का इलेक्शन, 93 एंड 96, तो ये चार इलेक्शंस देखने के बाद मुझे ये समझ आ रही थी कि ये म्यूजिकल चेयर चल रही है। हाँ। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। और दूसरा जाता है तो वही पहले वाला आ जाता है, ये नहीं कि कुछ चेंज आ जाए। अच्छा। तो ये इनके दरमियान एक चीज घूम रही थी। और जब इमरान खान ने पार्टी बनाई तो उन्होंने एक ही बात की कि ये दोनों जो है एक ही है, ये 96 की बात है उनकी। okay, वो कहते हैं एक ही सिक्के के दो रुख है, और ये जब इन पर बुरा वक्त आएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी जिंदा मिसाल ही आज आपके सामने। ये फैक्ट था। फिर हमने और इमरान खान समेत मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिनको सियासत की कतन जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत का ट्रेंड चेंज किया पीटीआई ने। इससे पहले क्या होता था, जो बंदा कुछ नहीं कर सकता ना उसको सियासत में करो, फारिग आदमी ना पढ़ सका है ना कोई करियर बना सका। अच्छा, ये बड़े जबरदस्त आपने बताया कि जो बंदा फारिग है वो सियासत में आ जाए। ये ट्रेंड था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप देखे ना, जो बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नालायक था उसको आप स्टूडेंट यूनियन में भेज देते थे। आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में देखें जिनका कोई प्रोफेशनल करियर नहीं था, यानी अपने करियर में कोई उनका कोई अचीवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो पॉलिटिक्स में आ गए। इमरान खान ने चेंज किया। इमरान खान ने कहा कि आप अपने लाइफ के अंदर सब अचीव करने, इमरान खान ने सोशल लाइफ, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ, सारी कुछ अचीवमेंट करने के बाद पॉलिटिक्स में आए। फिर हमारे साथ जो उस वक्त के साथी थे जो आज सदर मुमलिकत हैं, वो कराची के टॉप डेंटिस्ट थे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तो इन लोगों को कतन सियासत की जरूरत नहीं थी। आज भी हमारे साथ जो मेजोरिटी लोग हैं, असद उमर हो गया, इनको सियासत की, अगर ये सियासत के बजाय अपना जाती काम या कारोबार या जो कुछ नौकरी करें तो ये ज्यादा उनके लिए सूदमंद है। लेकिन उनका मकसद सियासत का क्या था, उनका मकसद सियासत का सिर्फ ये था, हम बाहर बैठ के बुरा भला तो कहते हैं सिस्टम को, हम इस निजाम को दिन में 100 दफा बुरा कहते हैं, लेकिन इस निजाम को ठीक करने के लिए, उस सियासत के गटर के अंदर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि अगर हमने सिस्टम को चेंज करना है और जो पाकिस्तान हमें मिला वो आने वाली नस्ल को उससे बेहतर पाकिस्तान मिले तो हमें सियासत में आना चाहिए। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कोई भी सियासी सवाल करना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रेंड सेट के बात करूंगी। अगर सियासतदान ना होते, मैं स्पोर्ट्समैन होता। स्पोर्ट्समैन होते, एज अ क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेट बहुत पसंद है आपको? डेफिनेटली, मुझे, मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन से आज तक मुझे वालदैन से डांट अगर पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहन भाइयों में सबसे वाहिद बच्चा हूं जिसको मार नहीं पड़ी वालदैन से। अच्छा। डांट अगर पड़ी है तो क्रिकेट खेलने पे पड़ी है, क्योंकि सख्त गर्मी होती थी और मैं, कोई अगर मेरा बहन भाई नहीं होता था तो मैं अकेला दीवार के साथ बॉल मार के क्रिकेट खेला करता था। अच्छा, इतना ज्यादा शौक था, इतना पैशन था मेरा क्रिकेट का। तो क्रिकेट सियासत में आने की कोई खास वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सियासत में हादसाती तौर पर आ गया। मैंने देखा जब मेरे इर्द गिर्द जो कुछ, क्योंकि मैं बाई नेचर एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं लोगों की तकलीफ पे लाताल्लुक नहीं रह सकता। okay. मैं बेहिस नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो सोसाइटी में होता है कि किसी के साथ कुछ हो रहा है या ठीक है जब मेरे साथ होगा मैं देखा जाए, मेरे में वो चीज नहीं। मैं देखता हूँ कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, मैं इवन रात को आपको मिसाल दूं कि अगर मैं रात को लेट नाइट आऊं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला किसी मोटर बाइक वाले को रोक के खड़ा, तो मैं जाके उससे पूछता हूँ, भाई आपने क्यों रोका इसको? आइदर इसने कोई क्राइम किया है, ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन की है, कुछ की है, क्यों? तो ये चीजें आपके अंदर सोसाइटी में जरूरी है कि आप लोगों को देखें किसी के साथ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हादसा हो जाए तो लोग रोड पे पड़े हुए के करीब नहीं जाते, यार इसको लेके जाएंगे, लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले हमसे 100 सवाल पूछेंगे, फिर पुलिस आएगी, ये होगा। तो हमें ये, हम इस बड़ी मुश्किल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वाकई में बहुत मुश्किल। अच्छा, ये मुझे बताएं, पेरेंट्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बड़ा या तो बिजनेसमैन बने या एक कामयाब आदमी बने, तो सियासत में जब आप आए तो वालदैन ने कुछ नहीं कहा आपको? देखिए, मेरे वालदैन की ख्वाहिश, मेरे वालिद साहब 98 में उनके इंतकाल हो गया, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। ओके। और मैंने 91 बैच में अपेयर हुआ, मैं ISSB तक गया और ISSB में नॉट रिकमेंड हुआ। तो जब नॉट रिकमेंड हुआ तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुमने अपनी 100% दी है, अल्लाह को जो मंजूर हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। और आज जाके खान साहब जो हमें तरबियत देते हैं, वो उस वक्त मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में सिर्फ नियत है और कोशिश रखी, रिजल्ट नहीं। देखिए, और फैक्ट ये है कि अगर अल्लाह ताला रिजल्ट इंसान के हाथ में रखता तो कोई भी इंसान अपने आप को नाकाम ना करता, हर एक ने अपने आप को कामयाबी करना था, तो वो सोसाइटी बैलेंस नहीं रह सकती थी।
क्योंकि मैं अगर कामयाब हूंगा तो आप भी कामयाब, तो नाकाम कौन होगा? दो फरीक होते हैं, कामयाब होता है एक नाकाम होता है। तो नाकामी और कामयाबी का जो जिम्मा अल्लाह की जात ने अपने पास रखे। तो बेसिकली मेरे वालदैन ने मुझे उस तरह से नहीं कहा। हाँ, मेरी वालदा अक्सर कहती हैं कि मतलब क्या रखा है इन चीजों में, सियासत में, ये वो, लेकिन नहीं, मैं और उसमें आप लोग एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो इस पे वो कुछ कहती हैं? बिल्कुल, मेरी वालदा कहती हैं अक्सर कि तुम इतनी इससे लड़ाई करते हो फिर इसके प्रोग्राम में क्यों जाते हो? उनको तो नहीं पता होता कि वो जो डिबेट होती है वो सिर्फ ऑन कैमरा होती है, ऑफ कैमरा चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों या एंकर्स हों, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, दोस्ती होती है, गपशप होती है। सियासत का असल में बदकिस्मती से माशरे ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह दुश्मनी बना दिया। सियासत दुश्मनी नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ओपिनियन है और दूसरी पार्टी उस ओपिनियन से डिफर करती है और हमने उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हुए उनको कन्विंस करना है या उनसे कन्विंस होना है। यहाँ दुश्मनी की हद तक चले जाते हैं कि ये फलाने पार्टी का और उसके साथ तो मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा, मैं इसके साथ खाना पीना, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपकी वालदा की बात बता दूं कि वो मुझे अक्सर कहती थी कि मैं किसी शो में जाता था तो नॉर्मली गेस्ट तकरीबन एक शो में दूसरे शो में रिपीट कहती है तेरा पिछले प्रोग्राम में से बड़ा झगड़ा होता फिर तू इसके साथ क्यों बैठा? मैंने कहा ऐसी बात नहीं। तो हमें वालदैन की तरफ से ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी वालदा ये कहती थी कि क्या रखा है सियासत में, तुमने अच्छा एजुकेशन हासिल की है, अपना बिजनेस है, सब कुछ करो। लेकिन एक हैरत अंगेज तब्दीली आई कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई मेरी वालदा इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। आज वो सबसे बड़ी सपोर्टर है इमरान खान। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, काफी डिमांड में भी रहा है हमारे पास सवाल ना, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ठीक है, खवातीन की शमूलियत इतनी ज्यादा क्यों है, इसकी क्या वजह है, कोई खास रीजन है इसका? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं खवातीन को सबसे ज्यादा अवेयर तबका समझता हूँ सोसाइटी का, हालांकि हम सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड तबका हमने किया हुआ, हमने मेल डोमिनेट सोसाइटी बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जितनी सलाहियतें खवातीन की हैं, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से देखते थे कि टॉप पोजीशन सारी लड़कियां ले जाती थी, तो हम कहते थे पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। अभी भी तो लड़कियां लेके चली जाती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी शोबे में आप चली जाए खवातीन माशाल्लाह बहुत आगे जाती हैं। तो हमने सिर्फ उनको उनकी डिग्निटी के मुताबिक, एक तो उनकी पॉपुलेशन में उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम मानते हैं, फिर हम इमरान खान ने जो तारीखी जलसा किया था अक्टूबर का 2011 का, तो उसकी एक बड़ी जबरदस्त क्लिप बहुत वायरल हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि मैं खवातीन को विरासत में उनका हक दिलाऊंगा, जो आम हमारी सोसाइटी में सच नहीं है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है जी, बेटी की शादी कर दी, जहेज दे दिया, तो बस हम बरी जिम्मा हो गए। तो जो विरासत में हमारे दीन ने हिस्सा रखा है वो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके ऊपर बात नहीं की, पहली दफा पीटीआई ने बात की। और उसके बाद मैं समझता हूँ फिर खवातीन बाशऊर बहुत ज्यादा है। मैं आपको 2013 की मिसाल दूं, 2013 में मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहा था पोलिंग डे पे, तो मर्दों से मैं अगर पूछ रहा था कि भाई किसको वोट दोगे तो कोई घबरा के बात कर रहा था, कोई थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था बताने में, लेकिन खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे जब मैं गया तो उन्होंने बड़े ब्लंटली कहा जी हम बल्ले को वोट देंगे। मैंने कहा जी आपको पता है आप बल्ले का कैंडिडेट कौन है? मैं खुद कैंडिडेट था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उन्होंने कहा जी हमें इससे कोई गर्ज नहीं कौन कैंडिडेट, हमने सिर्फ इमरान खान को वोट देने। तो वो जो कमिटमेंट है खवातीन की टुवर्ड्स पीटीआई या टुवर्ड्स इमरान खान, क्योंकि ये समझती हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स की हैं, अगर वो पाकिस्तान में आएगा तो वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो खवातीन का बहुत बड़ा रोल है हमारी पार्टी को उठाने, आज भी हमारे जलसे में सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर हम यही सवाल किसी और पार्टी से करते हैं तो वो कहेंगे कि इनकी पार्टी तो चलाई खवातीन खवातीन चला रही है। नहीं, हमें इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। देखें, कोई घर खातून के बगैर नहीं चल सकता, तो इस तरह कोई पार्टी खातून के बगैर कैसे चल सकती है? पार्टी और घर में बड़ा सभी इस नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, आपने घर, घर से ही मुल्क बनता है, शहर बनता है। आपका घर अगर ठीक नहीं होगा तो आप शहर को या मुल्क को कैसे ठीक करेंगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा इसराज साहब, एक और जबरदस्त किस्म का सवाल हमारे पास आया था, खैर मैं इसको किसी और अंदाज में पूछूंगी ताकि ये बताइएगा कि रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी आपकी जो, क्योंकि एक सियासतदान की जो लाइफ का एक रियल पॉइंट होता है वो जरा अलग होता है, तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं सारी चीजों को? देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो होती है वो हमारी पर्सनल लाइफ जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। हम अपने फैमिली फंक्शंस में नहीं जा पाते, घर वालों को टाइम नहीं दे पाते,
बल्कि एक मशहूर जुमला मेरी वालदा जो अक्सर मुझे कहती हैं कि तुमने घर को होटल समझा हुआ है, रात को सिर्फ सोने के लिए घर आते हो, बाकी तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता, सुबह निकलते हो और पता नहीं किस पता आते। ये फैक्ट है कि देखें हमने पॉलिटिक्स को, और ये अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं, मैं कोई पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, अफराद अच्छे या बुरे होते हैं, तो जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है वो अपनी फैमिली लाइफ की, अपनी पर्सनल लाइफ की सैक्रिफाइस देके कर रहा है, और चाहे उसके इंटेंशंस अपने जाती फायदे हों या मुल्क का फायदा हो या शहर के फायदे हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसको सबसे पहले जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो अपनी सोशल लाइफ की देनी पड़ती है। आप सोशली उस तरह मूव नहीं कर सकते, फिर आपको बहुत सी ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी पे अगर पीटीआई का झंडा लगा है तो मैं रात को 1-1:30 बजे भी देखता हूँ कि कोई नहीं है और सिग्नल रेड है, तो मैं कहता हूँ चलो चला जाता हूँ, तो कोई देख के कहता है यार कम से कम आप तो ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करें, तो ये सारी चीजें करते हैं बिल्कुल करते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है आपको, आपको बहुत सी चीजें आप चाहते हैं कि आप पब्लिकली जाएं, घूमें फिरें, बात करें। अक्सर शो अब हम, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं पीटीआई से हूँ तो मैं पब्लिक में जाकर प्रोग्राम करता हूँ। खुशकिस्मती का आंसर ये कि पब्लिक के अंदर हमारी एक्सेप्टेंस है, दूसरी पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल है पब्लिक शोज करना। बहुत से अभी पिछले दिनों चौराहे के ऊपर एक शो एक 7 News ने किया था, आप यकीन कीजिए कि जैसे जैसे क्राउड इकट्ठा होता गया तो जो मेरी ओपोनेंट पार्टियां थी उनके नुमाइंदे घबराते गए, क्योंकि वो पब्लिक सपोर्ट सारी पीटीआई की तरफ आती गई। तो ये बड़ा जरूरी है कि मैं कहता हूँ कि एंकर्स को भी मैं कहता हूँ आप स्टूडियो से बाहर निकल के पब्लिक में प्रोग्राम किया करें ताकि पता चले। बिल्कुल, हम पब्लिक में भी बात करेंगे और इनसे भी बात कर रहे हैं। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये से हम अपनी जो जबरदस्त किस्म की गपशप है इसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम टी टाइम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बार बार खुशामदीद तो खैर मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी, हमें कहना पड़ता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसरार साहब से और बड़ी मजेदार किस्म की बातें चल रही थी। इसरार साहब, ये बताइएगा कि पर्सनल लाइफ, एक पॉलिटिकल पर्सन को पर्सनल लाइफ मैनेज करने में बड़ा मसला होता है, तो कैसे हैंडल करते हैं? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रह चुकी है आपकी? बड़ा मुश्किल है जी, हमारे लिए बड़ा एक इमेज बनाया गया जी, पीटीआई के जो लोग हैं ये बड़े मतलब रोमांस पसंद है और ये कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी आम इंसान हैं, वो इसी सोसाइटी में मूव करते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपके सवाल में कहा कि हम सबको, सबसे ज्यादा हमें जो होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान करनी पड़ती है। हम उस तरह पार्टीज में नहीं जा सकते, हम उस तरह एंजॉय नहीं लाइफ को कर सकते जिस तरह दूसरा एक आम बंदा जिसको पॉलिटिक्स से वास्ता ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और हम ज्यादातौर पर कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। नाज़िम इस पर गौर करिएगा, हाँ, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अप्रोच करते हैं लोग आपको, लोग क्या खवातीन लड़कियां अप्रोच करती हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। फेमस पर्सनालिटी होने के बाद या एक फेमस पार्टी के साथ रिलेटेड होने के बाद तो अप्रोच तो बहुत होता होगा। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आंसर क्या होता है सर? बस हम स्माइलिंग फेस के साथ उनको रिफ्यूज करते हैं कि नहीं जी ठीक है, सब रिफ्यूज करते हैं स्माइलिंग फेस, मजबूरी है ना हमारी। अब देखें दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है कि आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये तकलीफ है हमारे, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप को पीछे रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे अप्रोच कर रही हैं तो मैं ये नहीं कि आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छी हैं हर लिहाज से, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो सकूँ, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ डिस्टेंस, तो उसको स्माइलिंग फेस के साथ रिफ्यूज करना पड़ता है। ये नहीं कि नहीं जी आप खबरदार आपने इस तरह बात की, तो बंदा हर्ट होता है, तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मुश्किल है। कुछ ऐसा कोई हुआ कभी लाइफ में कि एक बंदा बलाए जान बन गया? बहुत दफा हुआ और मैं ऐसी चीजें याद भी नहीं रखता क्योंकि वो बड़ी असल में होता ही है। देखें ये जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो बहुत सी चीजें आती हैं, और फॉर एग्जांपल जब आप थोड़ा सा आप मीडिया के हवाले से जब मीडिया में आ रहे होते हैं तो बहुत से मैसेजेस आते हैं, जी हमने आपका वो शो देखा उसमें आपने बड़ी जबरदस्त बात की, कोई कुछ कहते हैं आपने जो कलर पहना होता बड़ा मेरा फेवरेट कलर था, तो उस पे हम क्या कह सकते हैं जी, थैंक यू कह सकते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बड़ी मजेदार किस्म की बात है, आपने जो कलर पहना वो हमारा फेवरेट है। मैंने एक दफा एक प्रोग्राम था मेट्रो का, मैंने उस पर प्रोग्राम किया तो एक मैंने कुर्ते का कलर पहना था, बड़ा यूनिक सा कलर था, तो उस पर मुझे बड़े कमेंट्स थी, जी आपने जो पहना ये बड़ा जबरदस्त कलर है और मैंने देखा नहीं और ये मुझे बहुत पसंद है, तो नहीं वो पहन नहीं सकते थे ना, तो मैंने पहना हुआ था। खाने पकाने का कोई शौक है?
नहीं, मैं इस मामले में बहुत बहुत ज्यादा जीरो, बहुत ज्यादा जीरो। खाने का शौक है? खाने का, फूडी बहुत हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत फूडी हूँ। और मुझे कहीं भी किसी भी जगह पता चल जाए कि खाने की कोई अच्छी चीज अवेलेबल है तो वो कितनी ही दूर क्यों ना हो तो मैं जरूर वहाँ जाता हूँ। पहुँच जाते हैं, मुश्किल नहीं लगता? नहीं, खाने पीने की मेरी शुरू से ट्रैवलिंग और खाना पीना ये मेरी हॉबीज नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। I love to travel and बहुत से लोग होते हैं ना वो सफर के घबराते हैं, यार मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैं बैग पैक करूँ ये। आप यकीन करें मैं विद इन 5 मिनट्स के नोटिस पे इस्लामाबाद लाहौर चला जाता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की एयरपोर्ट पे, फ्लाइट ली, इस्लामाबाद पहुंचा, वहां पहुंच के वालदा को कॉल की के मैं इधर आ गया हूँ, मुझे काम था। तो छोटे भाई को कही गई 2-3 ड्रेस जो है ना मुझे कुरियर करवाने। तो इस हालत में भी मैंने ट्रेवल किया, मुझे आई लव टू ट्रेवल। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा शौक है आपको। अच्छा, ट्रैवल करते हुए कभी किसी ऐसी अननोन पर्सनालिटीज हमें मिल जाती हैं, कोई ऐसा बंदा आपको मिला हो कि जो जिसको आप अभी तक ना भूले हो, जो याद हो आपको अभी तक? बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोगों की कोई एक ऐसा एक होता है ना हमारे माइंड में एक रह जाता है कि नहीं यार इस बंदे ने ये बात हमसे कही। नहीं, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें याद रह जाती है। मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने मेरे कॉलेज में इंग्लिश के टीचर थे जाफरी साहब, अगर हयात हैं तो अल्लाह उनको जिंदगी सह दे, और अगर चले गए तो उनकी मुझे बहुत सी बातें मतलब वो बहुत ज़बरदस्त बात मिजाक के अंदर इतनी ज़बरदस्त बात कर जाते थे तो वो बातें क्लिक कर जाती हैं, आपके जहन में बैठ जाती हैं। मैं चीज़ों को एब्जॉर्ब करने वाला बंदा, इग्नोर नहीं करता। तो बहुत से लोगों की बहुत सी बातें मुख्तलिफ। हाँ, वो ये होता है कि मौके पर याद आती है, यार इस मौके के लिए फ़लाँ बंदा ने ये बात की थी और वाकई वो जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी बहुत कम होता है ना कि हमारे माइंड में बात रह जाए कि नहीं हमें इस मौके पर ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करनी। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ, मुझे ये अपनी बीमारी का पता चला जब मैं पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम देने लगा 9th क्लास का। तो मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल हुआ और पेपर क्वेश्चन पेपर सामने आया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। तो आप यकीन करें वो 5-10 मिनट मेरे लिए इतने तकलीफ दे अमल था कि मैं परेशान हो गया कि मैं करूँगा क्या। फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया और फिर मैंने दोबारा जब देखा तो सारी चीज़ें मुझे आती थी और मैंने करनी शुरू कर दी। इसी तरह जब मैं टॉक शोज पे जा रहा होता हूँ या कहीं पे भी जा रहा होता हूँ मैं जीरो प्रिपरेशन होती हुई। अच्छा। आज तक मैं तकरीबन 4-5 हज़ार शोज तो तब तक कर चुका हूँ, उसमें लाइव ट्रांसमिशन भी थी, लाइव शोज भी थे, सब कुछ। मैंने कभी आज तक किसी प्रोग्राम में ये नहीं पूछा कि आपका टॉपिक क्या है, मेरे साथ कौन बैठ रहा है, मैंने कभी नहीं पूछा। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, मैं ऑन द स्पॉट, और मुझे हमेशा मौके पर बात याद आती है। मुझे लतीफा भी मौके पे याद आता है, ऐसे मुझे कहे कोई लतीफा मुझे नहीं आएगा, लेकिन कोई बात होगी ना उस बात की निस्बत से जो चीज मौजूद होगी जहन में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये मेरे अंदर ये है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सियासत में से कुछ लोगों को रिमूव करना है, किसको करेंगे? मैं दिल से बताऊंगा, दिल से बताएं, मौलाना फजल। अच्छा, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है, देखें हम पॉलिटिशियन हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमसे कोताहियां होती हैं, हम नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते। मौलाना साहब से कोई खास नहीं, जाती मैं रीजन बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। देखें ना, मैं अगर बुरा अमल करूंगा तो आप कहेंगे सार ने गलत किया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मौलाना साहब के अमल से हमारे दीन पर आती है, आलम दीन के लिए एक सिंबल बनता है, ये गलत है। तो आप जाती हैसियत में, मैं अगर जाती हैसियत में बुरा हूँ ना, लेकिन जब पीटीआई के लीडर की हैसियत से बात आएगी ना मुझे, तो मुझे मौलाना साहब से सिर्फ ये इख्तलाफ है कि वो एक बड़े वालिद के औलाद हैं, उनके वालिद बहुत ज़बरदस्त इंसान थे और दीनी उनकी खिदमात हैं। मौलाना साहब कई मदरसों के जो है वो हेड हैं और सारा कुछ है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मुझे उससे, हालांकि पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, लेकिन चूंकि ये मजहबी रहनुमा नहीं है, हाँ, नहीं तो इनके साथ हमारा इख्तलाफ चल सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मौलाना साहब की किसी चीज पे बात पे इख्तलाफ भी करो तो वो हमें कुफर के फतवे भी वहां से मिल जाते हैं, और कई दफा मैं आपको मजे की मेरे पे तो सबसे ज्यादा फतवे लगे। आप यकीन कीजिएगा कि जमीयत अभी देखे ना मौके पर मुझे चीज याद, एक प्रोग्राम में मौलाना कोई इनके अमीर थे और
अच्छे बड़े आलिम थे, तो वो प्रोग्राम में बैठे थे, तो उन्होंने, ये आज से कुछ 10 साल पुरानी बात है, तो उसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान यहूदी एजेंट है और इमरान खान ये है और वो है। मैं खामोशी से सुनता रहा, जब मेरे भी बात आई तो मैंने कहा जी मौलाना साहब मैं आप जितना साहिब तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान आगे बढ़ा दे। ये ज़ईफ हदीस है या मुस्तनद है? बोला बिल्कुल मुस्तनद हदीस है। मैंने कहा मौलाना साहब मुझे सिर्फ ये बताइए इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसके बारे में आपकी क्या तहकीक है? अच्छा, आप सिर्फ इसलिए उनको रिमूव करना चाहते हैं कि उन्होंने जो हदीस है वो सही नहीं बताई? नहीं, मैं सिर्फ वो तो एक उनकी जिमनी बात करूं, लेकिन अच्छा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम जितने भी गुनाहगार क्यों, एटलीस्ट हम मुसलमान घराने से हैं, बेशक मैं सिर्फ जुमे की नमाज ही पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे दिल में खौफ है खुदा और रसूल की। आज भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात होती है तो हमारा जज्बा ईमानी, क्योंकि हमारे अंदर रगों के अंदर खून तो इस्लाम का दौरान, तो दीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बाकी हर चीज पे सियासत करनी। अच्छा, एक फजलुर रहमान साहब हो गए, आप सुन रहे फजलुर रहमान साहब, आपको रिमूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, सेकंड पर्सनालिटी कौन है इनको रिमूव करना चाह रहे हैं? सेकंड पर्सनालिटी, देखिए पॉलिटिक्स, अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो मैंने कहा ना बहुत बदकिस्मती से ऐसी पॉलिटिक्स है कि यहाँ जिसने लूट को सूट किया, मुल्क को लूटा, वो आज हमारा आंसर ना दे मुझे। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे ये बताइए पर्सनालिटी कौन है जिसको रिमूव करेंगे? मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत से लोग हैं, मतलब यू नेम इट, लेकिन उनसे उनसे पॉलिटिकल आंसर ना दे। नहीं, पर्सनालिटी बहुत, अच्छा एक ही पर्सनालिटी बताएं, एक पर्सनालिटी बताएं जिसको रिमूव कर रहे हैं आप? मरियम साहबा, उसकी वजह रीजन ये है कि मरियम साहबा की आप आज कर्जा वर्जा तो नहीं लिया उन्होंने? नहीं, मेरा तो उनसे कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया वो मरियम साहबा ने पहुंचाया, उनकी गलत पॉलिसी पार्टी में उनका, वो तो इतना साथ दे रही है पार्टी, नहीं साथ नहीं दे रही ना, अगर वो आप तो एक एंकर हो की बात करी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल वर्कर से आप पूछ लेना, तो हम इवन अभी पिछले दिनों खान साहब ने भी इस चीज़ का एडमिट किया, उन्होंने कहा कि जी अगर आप अपनी पार्टी की कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहिए, और बहुत से लोगों की राय थी कि शायद खान साहब सोशल मीडिया कहेंगे ये जी बड़ी, तो खान साहब ने कहा जी मरियम नवाज। बोला वो क्यों? बोला वो जब भी हमारी पार्टी हमें कोई नुकसान हो रहा होता है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देती है जिससे हम फायदे में आ जाते हैं और हम ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट, तो वो जितना नुकसान उन्होंने अपनी पार्टी को या अपनी वालिद साहब की सियासत, क्योंकि देखें जो हम तक बातें पहुंचती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत सी चीजों में नहीं करना चाहते थे जो मरियम साहबा ने उनसे करवाई, और आज अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ, क्योंकि देखिए इख्तलाफ अपनी जगह, मैं फिर कहता हूँ हमारा पॉलिटिकल इख्तलाफ होता है, दुश्मनी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए मैं दुआ गूँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन सियासी तौर पर और उनको सियासत में भी नहीं आने दे रहे। नहीं, ये क्या वजह? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सियासत में इस चीज का कायल ही नहीं हूँ कि आप किसी को बाहर कर दें सियासत। ओके। आप उसका मैदान में मुकाबला करें। ये जो आज सारा कुछ हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो डिसक्वालिफाइड है उनको क्वालिफाइड कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि क्वालिफाइड लोगों पर प्रेशर डाल के कि आप डिसक्वालिफाइड। तो मेरे नजदीक हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जैसे बानी एमकेएम ने बात की पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनको पाकिस्तान में सियासत का, बाकी हर बंदे को सियासत में हक है कि अपनी बात रख सकते, आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं आप उसकी बात की तायद करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बैन कर दें, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड पर्सनैलिटी कौन है? मतलब मुझे कितनी पर्सनालिटीज बतानी थी? तीन पर्सनालिटीज बताई, थर्ड बताएं कौन है? अच्छा, थर्ड जो है वो अल्ताफ हुसैन, उसकी वजह नहीं जाती, नहीं उनकी वजह से, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि महाजर कौम की तीन नस्लें जो हैं वो बर्बाद हुई। यानी हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे वालदेन अक्सर हमें कहते थे कि इन बच्चों को देखो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे थे, तो हम जो नॉन उर्दू स्पीकिंग थे हम इतने मतलब तेज़ नहीं थे पढ़ाई में, तो उस नस्ल को उन्होंने किस तरफ लगा दिया? आज उसमें ना PhD है, ना डॉक्टर्स है, ना इंजीनियर्स हैं, आज क्या है, कोई कनकटा है, कोई लंगड़ा है, कोई टुंडा है, नाम उनके, तो वो एक पूरा तीन नस्लें जो है ना वो बर्बाद कर दी, शहर को बर्बाद कर दिया। जिस चीज के ऊपर वो आए थे वो बिल्कुल ठीक थी कि महाजर कौम के साथ ज्यादती हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब व्हेन ही गेन द पावर ही मिस यूज द पावर, तो असल चीज इंग्लिश में कहते हैं ना
becoming number one is not difficult, but remaining number one is difficult. तो वो नंबर वन बन तो गए थे लेकिन वो रिटेन नहीं कर सके, इसलिए मैं समझता हूँ कंटिन्यू करना चीजों को मुश्किल होता है। सही। अच्छा, ये हमारे पास तीन पर्सनालिटीज हो गई हैं। अगर शेख रशीद साहब के साथ आपको एक घंटे के लिए रहना पड़े, क्या करेंगे? मैं बहुत दफा रहा हूँ शेख साहब से, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसी बात नहीं है। शेख साहब बहुत जबरदस्त आदमी है। असल में देखिए शेख साहब, अच्छा कुछ लोग मुझे शेख साहब से रिजेम्बलेंस भी देते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी लाइफ में भी, क्योंकि नीचे से स्टूडेंट लाइफ से ऊपर तक आया और मेन स्ट्रीम सियासत तक, और इसी तरह मैं कुछ प्रिडिक्ट भी कर देता हूँ कि ये चीज होने जा रही है, तो काफी लोग जो मेरे साफी दोस्त हैं वो अक्सर मुझे शेख रशीद का लकब है। शेख रशीद इज अ गुड पर्सनालिटी, लोग उनके बारे में अच्छी राय रखें बुरी राय रखें, लेकिन मैं उनको एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल पर्सन है वो? बिल्कुल जेन्युइन, क्योंकि देखें जिस बंदे ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है ना, हमारे सियासत की बर्बादी कहां से शुरू हुई? जब आपकी स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगी, वरना स्टूडेंट यूनियंस जब तक थी तो आपके पास रिफाइंड सियासतदान उभर के आते थे। ये जो GHQ की पैदावार लोग कहते हैं ना, ब्रिगेड नंबर फलाना की पैदावार, वो जो ज़ियाउलक साहब ने नर्सरी लगाई और पॉलिटिशियंस को ग्रूम करते रहे, उन पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान की बर्बादी का किरदार अदा किया, चाहे वो आज किसी भी पार्टी में मौजूद हो। लेकिन वो एक, आप देखें ना, एक नेचुरल चीज होती है और एक मस्नूई चीज होती है, तो हमने मस्नूई सियासतदान पैदा की। अगर हम स्टूडेंट यूनियंस को रहने देते तो मुनव्वर हसन जैसे जो जमात इस्लामी से थे, मेरा उनके साथ इख्तलाफ जरूर है लेकिन उनकी पूरी सियासी जिंदगी बेहतरीन मिसाल थी। तो इस तरह के पॉलिटिशियंस हमारे पास आते अगर स्टूडेंट यूनियंस बैन ना होती। पॉलिटिकल पर्सन से मजेदार किस्म की बातें हमारी चल रही हैं। पॉलिटिकल पर्सन को आप इस अंदाज में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये बड़ा अच्छा होता है कि कभी कभी आपको रियलिटी का भी पता चलना चाहिए कि जो सब लोग इस ट्रेंड में चल रहे हैं उनकी रियलिटी क्या है। मजीद इनसे गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मैं इसरार अब्बासी साहब से, और आपने देखा है कि अक्सर फाइटिंग करता हुआ आदमी हंसता मुस्कुराता कैसा लगता है, तो ये बताएं कि ये बड़ा आपको मुश्किल नहीं लगता कि यार डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या उनको फॉलो करते हैं आप लोग? नहीं, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, बहुत सी जगहों पर जहां मेरी पार्टी की गलती होती है मैं ओपनली उसको उसको जो है ना कंडेम कर देता हूं, और बहुत से लोग इस चीज़ को का एतराफ़ भी करते हैं कि मैं बिल्कुल बाइस्ड होकर सियासत नहीं करता कि नहीं जी हमारी पार्टी अगर गलत भी कर रही है तो वो ठीक है और आपकी पार्टी ठीक भी कर रही है। तो मैं भी एक शो से आ रहा हूं तो वहां जिक्र हुआ जी कि आज ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह है और ये, तो मैंने कहा जी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि ये बहुत पहले होना चाहिए था। 15 साल आपकी सिंध गवर्नमेंट हो गई और आपको सफरी सहूलियतें देनी चाहिए थी कराची के शहरों को, लेकिन अगर आज भी हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं जी ये क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ एक औरंगी से उस बोर्ड ऑफिस तक के रूट का क्यों कर रहे हैं, ये पूरी कराची का क्यों, तो अगर कहीं से शुरू करें तो अच्छी, तो मैं पार्टी में भी अच्छी शुरुआत तो कहीं से भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट ये है कि हम सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करता। मेरी जो पार्टी लाइन है वो क्लियर कट है। अगर मेरी पार्टी के अंदर भी कोई, हम आपको यकीन करें कि अब तो खैर बहुत से लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को हमने बहुत से फैसले पार्टी ने चेंज करवाए। अच्छा। क्योंकि उनको कन्विंस किया कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं, वरना यहाँ तो पार्टी में डिक्टेटरशिप है, जो पार्टी लीडर ने कह दिया सबने कहा जी बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है, बॉस बने हुए ना सर, सर आपने कह दिया मुझे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप यकीन करें हम आर्गुमेंट करते हैं, हम बहस करते हैं कई कई दफा। यानी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूं कि 2008 का जब इलेक्शन बायकॉट किया तो खान साहब बायकॉट नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। पार्टी ने कहा, खान साहब ने कहा हमें नुकसान होगा क्योंकि एंटी मुशर्रफ वोट पड़ना है, और एंटी मुशर्रफ 2002 से लेकर 8 तक वाहिद इमरान खान एक लीडर था जो नेशनल असेंबली में भी खड़े होकर बात करता था, इंटरनेशनल फोरम से भी बात करता था, मीडिया पे बात करता था, लेकिन पार्टी ने कहा जी चूंकि जुडिशरी बंद है और हम तहरीक इंसाफ है तो हम जजों की बहाली तक जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो खान साहब को फैसला मानना पड़ा। तो मुझे कोई और पार्टी ऐसी बता दें कि जिसकी पार्टी की निचली टेयर ने पार्टी लीडर को कन्विंस करके कोई फैसला कराया। सही। अच्छा, एक पॉइंट आपका और भी हमें पता चला कि वेलफेयर से भी किसी से रिलेटेड हैं आप? जी बिल्कुल, मैं शेर अफजल
फाउंडेशन का बैटरन चीफ हूँ पाकिस्तान में, और इसके काफ़ी हद तक मीरपुर खास में कैंसर हॉस्पिटल हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम फंड रेजिंग के लिए मुख्तलिफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी अभी रिसेंट भी मैंने किया है, इससे मैंने पिछले साल एक एडिशन किया था। इन फ्यूचर मेरा एक प्लान है आप लोगों को इन्वॉल्व करके खवातीन के हवाले से करना। अच्छा, खवातीन के हवाले से? बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी शोबे में जब तक खवातीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वो शोबा कम्प्लीट नहीं हो सकता। खवातीन तो खुद सारी चीजों को मुकम्मल करती है ना, उनके बगैर तो चीजों की तकमील ही नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ खवातीन को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी, मैं पहले कह चुका हूँ कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो खवातीन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती हैं। तो मेरा मोटिव, मेरी पार्टी का मोटिव सबसे पहली चीज तो ये है कि उनको, बाकी उनको देने की क्या जरूरत है, वो खुद टैलेंटेड है, वो हर चीज खुद ले सकती है, लेकिन आप उन्हें स्पेस दें, उन्हें रिस्पेक्ट तो दें। अच्छा, गेम्स में भी जो है वो आप सपोर्ट कर रहे हैं खवातीन को? बिल्कुल, मैं देखिए मैं वो शख्स हूँ जो हमेशा ये कहता है कि स्पोर्ट्समैन तैयार करें, क्योंकि शहर को एक स्पोर्ट्समैन की जरूरत। देखिए तीन दहाइयों तक ये शहर जलता रहा, अगर आज हम खेल के मैदान आबाद कर दें तो जिस शहर में खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। आप देखें कि आपके बच्चे आज कई बीमारियों में मुब्तला हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप चश्मे लगे हुए, क्यों? वो सारा वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। स्पोर्ट्स, अब हम जैसे लोग जो सारा सारा दिन जून की गर्मी में भी नंगे पांव भी क्रिकेट खेला करते थे, तो हम आज भी फिट फाट है। वो बच्चे अभी 15 साल का होता नहीं है, तो आप उसको जरा दो कदम दौड़ाए तो यूं करके कमर पकड़ के बैठ जाएगा। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज हमें देनी चाहिए। फिर कुछ हमारे जो रूरल इलाके हैं वहां पर मनशियात है। अब आप देखें बच्चों को मनशियात से दूर करने का वाहिद हल क्या है, कि आप उनको खेल के मैदान की तरफ ले आए। अगर उनको खेल के मैदान में हेल्दी कंपटीशन मिलेगा तो कभी मनशियात की तरफ नहीं जाएंगे। तो ओनली वे एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी चाहिए। अच्छा चले, मेरे प्रोग्राम के थ्रू आप ये मुझे बता दें कि खवातीन के लिए आप क्या कर रहे हैं इन गेम्स? मैं खवातीन का एक इवेंट प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें खवातीन की मुख्तलिफ शोबे से, यानी मीडिया से, शोबे से, पॉलिटिशन से, कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सी खवातीन वर्क कर रही, उनको खेल के मैदान में लाया जाए, ताकि देखिए एक एक माशरे में अब जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है या वो हॉकी टीम है उसको वो बैक सपोर्ट नहीं है जो हमारी मेल क्रिकेट टीम को है। क्यों? हमारी वुमेन क्रिकेट टीम भी इंटरनेशनल जाके खेलती है, और दो कि उसको वो कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि उसकी बैक सपोर्ट नहीं, इसी की खास वजह है कि खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, न सिर्फ आप गेम्स ले लें, हर तरफ है। तो ये इस क्यों है, ये लटडाउन इतनी पर्सनालिटीज क्यों है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, हम इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। मैं तो ये कहता हूँ खवातीन को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उनका ये हक है। देखिए अगर आप उनको प्रॉपरली सोसाइटी में स्पेस देंगे, उनके राइट्स देंगे, तो वो जो एक नारा चला था ना मेरा जिससे मेरी, इस तरह की चीजों की नफी होगी। क्योंकि जब आप किसी भी तबके को दबाएंगे तो उसमें से जब वो निकलेगा तो नेगेटिव चीजें निकल सकती है ना, तो बेहतर है कि आप उसे ग्रूम करके ऊपर लाएं, ना कि उसको सप्रेस करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आप जो है टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं खवातीन का, तो ये अपनी पार्टीज जो डिफरेंट हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, इनके इनके लिए क्यों नहीं करते कोई इस तरह का काम? नहीं देखिए पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपको यकीन नहीं कि पार्टी के लोग आएंगे? नहीं नहीं, नहीं पार्टी के आएंगे। अभी मेरा जो टूर्नामेंट था उसमें पीपल्स पार्टी के एमएनए भी आए थे, मेरे पीटीए के भी आए थे, वो उसमें नहीं, मैं शिरकत के लिए नहीं, मैं खेलने की बात कर रही हूं। नहीं खेलने की, मैं आपको देखिए एक बात बताऊं, पॉलिटिशियंस को लोग मीडिया चैनल्स के ऊपर लड़ते हुए देखेंगे तो वो खुश रहते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब तक हमारी सेलिब्रिटीज नहीं होंगी, आजकल तो टिकटॉक का दौर है, टिकटॉकर्स की टीम, अब यकीन करें वो टीम आई टिकटॉकर्स की तो उनके हर एक प्लेयर के पता नहीं कितने कितने मिलियंस फॉलोअर्स थे, तो हम उनको सबको, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी में है क्या, लोग उनके लिए आते हैं। अब पॉलिटिशियन को कहते हैं यार ये तो हम टीवी पे भी देखते रहते हैं, ग्राउंड में क्या देखना, तो वो लोग उन्हीं के साथ सेल्फीज भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल में हर तबके, मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि किसी एक तबके को नहीं, सब तबकात को एक साथ ग्राउंड में उतारा जाए। यानी अगर शोबिज है, हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, वीलॉगर्स हैं, इन सबको, पॉलिटिशियंस को, सबको एक ग्राउंड में। अच्छा आपके इस टूर्नामेंट का क्या है, बेसिक ये चैरिटी है? चैरिटी है, क्या है ये, जरा कुछ बताइए इस बारे में। मैं बेसिकली देखें, मैंने आपको कहा कि अभी तो हमने सैलाब के लिए किया, इसके बाद में जो करना चाह रहा हूँ, जो हमारा मीरपुर खास में हम बनाना जा रहे हैं, उससे पहले हमने उनके जो
गूंगे बहरे बच्चे थे उनके लिए हमने सेंटर बनाया हुआ है जिसमें उनकी हेयरिंग बाइट्स उनको हम प्रोवाइड करते हैं, सुनने की सलाहियत उनकी बढ़ाते हैं, स्पीच थेरेपी उनको कराते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि देखें सिंध के अंदर बहुत बुरा हाल है, आप यकीन कीजिए, हम कराची को रो रहे हैं लेकिन अगर कभी आप हैदराबाद क्रॉस करके आगे के इलाके देखें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाए, ख़ास तौर पर ये भी जो सैलाब के अंदर हुआ है वो गढ़ जो पीपल्स पार्टी के थे जहाँ पर उनका लाड़काना और मीरपुर खास और नवाब शाह और इन सब का बहुत बुरा हाल है और वहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मीरपुर खास में इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें हॉकी का ग्राउंड है, जिसमें फुटबॉल है, टेनिस कोर्ट है, लेकिन वो वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि पॉलिटिकली उसके ऊपर वो क्या इतनी जबरदस्त चीज गवर्नमेंट के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके आपने लगाया, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। सही, तो हमने उनको यूटिलाइज करना है और लोगों को एम्पावर करना है। ओके, वैसे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो खवातीन के लिए कर रहा है काम, तो जरूर खवातीन आपका साथ लाजमी देंगी क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम टॉप 10 पे चल रही है आपकी पार्टी। ऐसे ही है या शायद मैंने कुछ गलत देख लिया है? खवातीन बहुत लाइक करती है आपकी पार्टी को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खवातीन को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं। देखिए, खवातीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ्स, क्योंकि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि हमें अगर इस सोसाइटी में निगलेक्ट किया जाता तो शायद हमें कोई कमी है। इसमें उनकी कमी नहीं है, उस सोसाइटी की कमज़ोरी है कि वो उनका जायज़ मुकाम नहीं दिला रही। तो बिलीव इन योरसेल्फ्स, क्योंकि देखिए ना, आप किसी मुझे एक शोबा बता दें जिसमें खवातीन आगे ना गई हो, जिस शोबे में भी खवातीन आई हों टॉप मोस्ट, हमारी अभी आर्मी में भी जनरल्स आई हैं, मेजर निकार आई हैं, जनरल मेजर, तो इसी तरह पायलट्स में आप देखें, जो आर्मी के अंदर सबसे मुश्किल काम होता था कि जी खवातीन नहीं जा सकती, लड़कियाँ नहीं जा सकती, अब हमारी कैडेट्स जो आ रही हैं, जो ट्रेनिंग कर रही हैं, वो बिल्कुल हमारे लड़कों के बराबर ट्रेनिंग कर रही हैं और खवातीन हर काम कर सकती हैं। तो मेरा ये मैसेज आपके प्रोग्राम के तवसत से, आपके तवसत से, कि हर खातून को अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, वो सोसाइटी की बेहतरी भी कर सकती है, क्योंकि एक बेटी है वो पहले घर को संभालती है, फिर माँ बनती है तो उस सोसाइटी के लिए बेहतर नस्ल तैयार करती है। तो खवातीन को अपने आप पे बिलीव करना चाहिए और इस सोसाइटी में अपना हक लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे तो ही आप कुछ कर सकेंगे। और इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी जो है वो हमारा पूरा पूरा साथ दे रही है कि खवातीन जो है वो खुद पे बिलीव करना सीखे। और मेरे ख्याल से जब तक सर साहब आपकी बात बिल्कुल जो है मैं इसको अग्री करूंगी कि अगर आप खुद पे ही बिलीव नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म के मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त बहुत ही कलील होता है, छोटा सा प्रोग्राम है और बातें बहुत सारी होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको एक लंबी सिटिंग के साथ, एक और ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। इसी दुआ और तमन्ना के साथ आप ज़रूर आएंगे दोबारा भी क्योंकि बहुत सारे सवाल भी रह गए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टी टाइम विद कोमल ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लाइव से गुफ्तगू आपको कैसी लगी। सो स्टे विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।